दूसरी एक्सरसाइज ये है, जा पागल है क्या सीधा? मैं तल मुझे पूछ रही हूँ, खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो मत खा। सो गाइज वॉट इज अप पीपल्स, सो गाइज नहीं, हाँ वॉट इज अप पीपल शो, क्या वॉट इज अप पीपल्स, हाँ सो गाइज वॉट इज अप कैंड पीपल्स। तो ये मेरी पहली और फेस कैम वीडियो है, तो उसमें बहुत सारे कट होंगे, तो सह लेना थोड़ा सा। आपको बताऊंगा आर्म रेसलिंग के बारे में। मैं आर्म रेसलिंग मैंने बहुत टाइम से तो नहीं, शौक पहले भी था, पर कर मैं अभी भी रहा हूँ। और जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में घुसते जाओगे तो उतना ही आप प्रोफेशनल बनते जाओगे। तो मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, कुछ लोगों को फॉलो भी किया, तो उधर से मुझे बहुत कुछ ऐसा पता चला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको बताऊँगा हुक की कुछ बेसिक टेक्निक्स, टेक्निक्स भी नहीं वो एक्सरसाइज है, टेक्निक्स तो मेरे पास बहुत है। ये मतलब जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सिर्फ 15% होगा, 10 to 15% होगा, और बाकी सब आपकी मेहनत के ऊपर है। और आप मुझे 10 कमेंट करके बताओ, अगर इस वीडियो पे 10 कमेंट आते हैं तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपके लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा आर्म रेसलिंग के ऊपर, जिसमें आपको, वैसे तो मैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल टॉप रोल प्लेयर, प्रोफेशनल नहीं, वैसे तो मैं टॉप रोल प्लेयर हूँ, पर मैं हुक की भी बता सकता हूँ, मतलब इतना मैंने देख रखा है। ये है कि अगर जहाँ हुक काम नहीं आता वहाँ टॉप रोल लगा लो, जहाँ टॉप रोल काम नहीं आता वहाँ हुक लगा लो। तो मैं आपको बताऊँगा आज कुछ बेसिक तो एक्सरसाइजेस, होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी, एंड तक देखना, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा मिलेगा। आप वीडियो की तरफ चलते हैं, तो पहले तो ये वार्म अप वगैरह जो होता है मैं बताऊंगा, वीडियो में चलते चलते आप साथ साथ देखते हुए रहेगा। तो कुछ वार्म अप है, फिर वार्म अप के बाद सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है, तो सेट बढ़ाते जाओगे, जैसे एक सेट में आपको, जैसे मान लो आपने 7:30 से स्टार्ट कर रहे हो, आप 7:30 से चालू किया, 20 रेप लगाए, फिर उसके बाद वेट इंक्रीज करते जाना है एंड तलक, जिससे क्या है, फिर आपको जैसे ही इंक्रीज करते जाओगे तो रेपिटेशन भी कम होते जाएंगे। तो इसलिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, 3 से 4 सेट की लगेंगे। और इसको आपको रोज नहीं करना है, अल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं आप, वीक में, या फिर 2 बार कर सकते हैं। और मेन बात है आपका गोल, कि आपका गोल क्या, आपको प्रोफेशनली खेलना है या फिर सिर्फ कॉलेज या स्कूल में चेयर बॉय बनने के लिए, समझ रहे हो ना, स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए। तो वो उन्हीं के साथ लड़ाई है जो आपके लेवल के हों। अगर आप ऊंचे लेवल पे आप लगाओगे, या फिर क्योंकि आपको भी पता है आर्म रेसलिंग वेट कैटेगरी वाइज होती है, अगर आपको शायद पता हो तो, वेट कैटेगरी वाइज होती है। अगर आप अपने ऊंचे वेट से लगाओगे या फिर ज्यादा वेट से लगाओ, ऊंचे वेट क्या होता है यार, ज्यादा वेट से लगाओगे तो सीधी सी बात है, या फिर आप इंजर्ड हो जाओगे, या फिर वो आपका हाथ तोड़ सकता है, तोड़ सकता है। दूसरी एक्सरसाइज पर, दूसरी एक्सरसाइज ये, और हाँ ये सारी एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज है ये जिम में ही होंगी। अगर आप चाहते हो कि घर के लिए कोई एक्सरसाइज बताए, क्योंकि तो वेट से ही आर्म रेस्लिंग की एक्सरसाइज हो सकती है, बिना वेट के कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती आर्म रेस्लिंग की। और आप चाहते हो कि घर से बनाओ, तो आपको वेट अरेंज करना पड़ेगा, कहीं से भी वेट अरेंज करने पड़ेंगे, तो जिससे क्या है आप आर्म रेस्लिंग कर सको। दूसरी एक्सरसाइज ये है, जा पागल है क्या सीधा? मैं तल मुझ की पूछ रही हूँ, खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो मत खा। घर में वीडियो बनाने के फायदे हैं, घर में जितना आप साथ रहते हो ना उतनी अच्छी वीडियो बनती है। हाँ तो हम दूसरी एक्सरसाइज पे बोल रहे थे, दूसरी एक्सरसाइज ये थी कि आप जिम में, जो एक तो हमारा एक कैमरामैन तो इतने अच्छे हैं, मैं सोच रहा था कि मैं किसी रैंडम को उठा लूँ, रैंडम से वीडियो बनवा लूँ, पर नहीं भाई, चलो ठीक है।
दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप ये सेम एक्सरसाइज है, इसमें भी सेट आपको 3 से 4 करने हैं और हर सेट में वेट बढ़ाना है, पर इतना याद रखना अपने आप को इंजर्ड मत कर लेना, क्योंकि आर्म रेसलिंग इंजरीज का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंजरी हो जाती है जो बिगिनर होते हैं, क्योंकि स्टार्ट में तो लड़ा लेते हैं, फिर उसके बाद जब घर जाते हैं या फिर उसके थोड़ी दिनों बाद या 1-2 दिन बाद शोल्डर में पेन या फिर फोर आर्म खिंच जाता है, नसें खिंच जाती हैं, बहुत सी चीज़ होती है, फिर आप जो डेली के भी काम होते हैं ना उसमें भी करने में आपको दिक्कत आती है। तो 3 से 4 सेट आपको ये करने हैं, जितना हो सके आप हैवी जाइए, जितनी आपकी औकात है। और तीसरी एक्सरसाइज आपकी रिस्ट के लिए, और तीसरी एक्सरसाइज आपकी रिस्ट के लिए, जैसे आपकी रिस्ट स्ट्रांग होगी, क्योंकि हुक में आप देखते हैं जैसे हुक ऐसे होता है, आप ऐसे खेलते हैं हुक, जैसे आप मैं राइट से बताता हूँ, जैसे हुक आप ऐसे खेलते हैं अपोनेंट के सामने, हुक आप ऐसे खेलते हैं, तो आपकी रिस्ट ये जो अंदर वाला पार्ट है, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं अंदर वाला पार्ट है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको ये स्ट्रांग करने के लिए जो है ये तीसरी एक्सरसाइज आपको काम आने, एक्सरसाइज इसके भी सेम आपको 3 से 4 सेट करने हैं, रेपिटेशन जितने हो सके एंटिल फेलियर तक करने हैं, जितने हो सके करो। और बस यही थी मेरी ये पहली वीडियो, वो भी आपको पसंद आएगी, पहली वीडियो नहीं पहली फेस कैम वीडियो, हो भी आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट दोनों सब कर देना, जो जो आप कर सकते हो रिलेटेड, ऐसे ही एंटरटेनमेंट एंड आर्म रेसलिंग के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप बस मेरे साथ रहिए और दोनों मिलके मुंह में नहीं नहीं सब लोग साथ में मिलके एक अच्छा बीज बनाएंगे। तो जो है यही है, देखो केलों की शक्लें देखो, जितने भी हमारे ग्रुप में केले हैं, ठीक है। तो थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और पीस कैसे होता है।
हम तो चले मूतने।